सकती है, जैसा जो ताफुन एपिडेमिक डिसीज होता है ना, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इंतकाल करते हैं, उसमें जो इंतकाल करे वो भी शहीद है, वैसा नहीं जैसा फी सबिल्लाह, लेकिन वो भी शहीद है। इसलिए हदीस में आता है कि ताफुन शैतान की तरफ से है और अल्लाह ने इस उम्मत के लिए, पहली उम्मतों के लिए अजाब था, इस उम्मत के लिए जो इसमें मरेगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, अजर मिलेगा, तो वो है। दूसरा, जो पेट की बीमारी से इंतकाल कर जाए, पेट जिसकी वजह से वो खा पी नहीं सकता था, परेशान था, अब कुछ भी हो सकती, पेट की बीमारी, ठीक है, पेट की बीमारी, तो उससे जो इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है, क्योंकि पेट की बीमारी से इंसान उमन खा नहीं सकता है और बहुत तकलीफ ज़िंदगी गुजारता है और फिर इंतकाल होता है, ठीक, तो वो भी शहीद में आता है, ठीक है। तो ये बीमारियों के अतबार से मैं दो ही जानता हूँ जिसके अंदर ये अल्फाज है कि वो शहीद है, लेकिन